हाय गाइस, तो गाइस आज हम एक फिर से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हाउ टू फिल OMR सीट। क्योंकि सीटेट का एग्जाम आने वाला है तो बहुत ही टिपिकल हो जाता है कि किस तरीके से हम अपनी OMR सीट भरें। तो गाइस ये मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की कमेंट आ रही थी कि मतलब OMR सीट सर कैसे भरें, तो उसके बारे में एक वीडियो बना के लेके आया हूँ मैं, जिससे कि आपको कभी कोई गलती नहीं होगी। पिछले एग्जाम में मैंने खुद देखा है काफ़ी सारे स्टूडेंटों की जो लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू होती है उनके गोला फिलिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गई थी, जिसकी वजह से उनके बहुत अच्छे मार्क्स आने थे लेकिन उनके मार्क्स नहीं आ पाए। तो गाइस इस तरीके के का मतलब किसी के साथ में कोई भी टेढ़ी ना हो, और जितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं, जितने क्वेश्चंस आते हैं, उस सारे के सारे क्वेश्चंस सही हों और रिजल्ट सकारात्मक हो। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे OMR सीट इस तरीके से थोड़ी सी फ्लेक्सिबल कर रही है, तो मैं बन टू बन एकदम पॉइंट सटीक दिखाऊंगा, जिससे कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और किस तरीके से आपको फिलिंग करनी है वो पूरा ए टू जेड बात इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो गाइस जैसा कि मैं कुछ ओडली बता देता हूँ, उसके बाद में हम OMR सीट पर चलेंगे, एग्जाम पेपर की भी कटिंग लेंगे, कहाँ रोल नंबर होता है, कहाँ सीरीज बुकलेट नंबर होता है, और उसके बाद में जो आपका एडमिट कार्ड होता है एडमिट कार्ड की भी कटिंग दिखाएंगे, और एडमिट कार्ड में किस तरीके से आपको फिलअप करना है पूरा प्रोसेस, जिससे कि आपको एक भी गलती ना हो। और जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं या जो पेपर अटैम्प्ट किया है उस पेपर का क्वेश्चन पेपर का 100% रिजल्ट आपको मिल सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जितने हमने जो नॉलेज होती है उस नॉलेज को हम दिखा नहीं पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे थे कि स्टूडेंट के मतलब हम अपना लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू किस तरीके से भरेंगे, तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं कि हमेशा जो सीटेट का एग्जाम पेपर होता है उसमें दो लैंग्वेज होती हैं, लैंग्वेज वन और लैंग्वेज दो होती हैं। और तो इसमें क्या होता है कि जैसे तुम्हारा क्वेश्चन पेपर ढूंढेंगे तो उसमें लैंग्वेज वन में मोस्टली सब लोग हिंदी भरते हैं, या कई अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो अपनी बंगाली, भोजपुरी या मैथिली, बहुत सारी भाषा होती हैं तो उन भाषाओं को इसमें भर सकते हैं। तो जो फर्स्ट लैंग्वेज में आपने भर दी है, से मान लीजिए कि हिंदी भरी है फर्स्ट लैंग्वेज में, सेकंड लैंग्वेज में आपने इंग्लिश भर दी है, तो हिंदी इंग्लिश के स्टूडेंटों को मैं बात बताना चाहता हूँ कि उनके लिए एक ही बुकलेट आएगी, एक ही क्वेश्चन पेपर होगा, उसी में हिंदी इंग्लिश दोनों के पोर्शन होंगे। और जिन लोगों ने संस्कृत भरी है तो संस्कृत वालों के अलग से क्वेश्चन पेपर मिलेगा, बुकलेट मिलेगी, या जो उर्दू है या बंगाली है या गुजराती है, तो जिन अदर लैंग्वेज वाली जो पोर्शन है उनके लिए एक अलग से आपको एक बुकलेट मिलेगी, उसका सीरियल नंबर है, वो QR जो भी कोड होगा वो भरना पड़ेगा, आपका बुकलेट नंबर भरना पड़ेगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी इंग्लिश वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, सिंपली उनको अपना पॉइंट बाई पॉइंट अपना काम क्लियर कर देना होता है। बात समझ में आ गई होगी, उसके बाद में हम A to Z बात करेंगे। सो गाइस आज हम OMR सीटेट की भरने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखते रहिए, पूरी वीडियो को देखिए जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, स्किप मत करिएगा जिससे कि आपको एग्ज़ाम हॉल में जाके कन्फ्यूजन पैदा हो। देखिए पहला जो ऑप्शन रहेगा आपका सीट पे, सीट वन साइड वन पर, तो उसका रहेगा पहले अनुक्रमांक रहेगा, रोल नंबर रहेगा, इन बॉक्स में भरना है आपको कैपिटल लेटर्स में, और उसके बाद में अभ्यर्थियों का नाम, फादर्स नेम और सेंटर। अब देखिए किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले आप अपना सीटेट का जो एडमिट कार्ड लेके जा रहे हैं तो एडमिट कार्ड को खोल लीजिएगा, और एडमिट कार्ड पर जो भी कुछ लिखा हुआ है बिल्कुल सेम टू सेम आपको इस पर नोट डाउन करना है, तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और एक बात बता दूँ, ब्लैक पॉइंट पेन ही लेके जाएं, ब्लू वाला अब कैंसिल कर दिया गया है तो ब्लू वाला मान्य नहीं होता है, और ब्लैक लेके जाएंगे तो ब्लैक वाला आपका बिल्कुल एकदम एक्यूरेट रहेगा, तो ब्लैक पेन ही लेके जाएं, पॉइंट पेन लेके जाएं, जेल पेन लेके नहीं जाएं। और अब देखते हैं इन फिलिंग को भरने के लिए अपने एडमिट कार्ड पर चलते हैं। सो गाइस आपके पास में इस तरीके का एक एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो इस पर स्ट्रक्चर भी लिखे होंगे, मतलब 13 कैंडिडेट भी वो कंडीशन लिखी हुई हैं। उसके बाद में अब देखते हैं यहाँ पर हम कि क्या करना है, रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर की बात करें तो जो भी आपका होगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिखा होगा, रोल नंबर यहाँ पर आपका लिखा होगा, जैसे 123 रोल नंबर है यहाँ पर, जो भी अपना एडमिट कार्ड देख लीजिए तो इस जगह पर आपका रोल नंबर होगा।
और बात करें पेरेंट्स नेम की और फादर्स नेम की, तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कैंडिडेट नाम, मतलब कि अपना नाम हो गया तुम्हारा, और आपके फादर्स नाम, जैसे फादर्स नेम श्याम लिख दिया है, तो इस तरीके से यहाँ दोनों आपके फादर्स नेम लिखा होंगे, जो यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिट कार्ड पर, सिर्फ और सिर्फ आपको वही लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है। जैसे गाइस आपका जैसे 123 रोल नंबर था, तो 123 रोल नंबर, तो इसमें बन लिख देना है कैपिटल में, क्लियर एकदम, कटिंग नहीं होनी चाहिए। 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद में आता है कि आपका नाम भरा जाएगा, वो भी कैपिटल लेटर में भरना है आपको। जैसे आपका नाम है राम, तो क्या करेंगे, कैपिटल में RAM इस तरीके से आप क्या भर लेंगे। उसके बाद में जो सरनेम होता है, थोड़ा सा डैश जगह से राम सिंह ही है मान लीजिए, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, फिर आगे से जैसे स्पष्ट दिखाई दे IN, G और H इस तरीके से भरेंगे, क्योंकि जो दो पार्ट्सों में नाम है, सरनेम के बीच में जगह होनी चाहिए जिससे स्पष्ट दिखाई दे ये दोनों नाम अलग अलग हैं, अन्यथा की स्थिति में वो एक ही नाम समझा जाएगा और हो सकता है कि आपको एकदम कंबाइंड करके नाम दे दिया जाए, तो हो सकता है आपको दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल सिंपल तरीका है, जो फादर्स नेम आपका, फिर आगे चलते हैं, फादर्स नेम जो लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, उसी फादर्स नेम को आपको यहाँ से फिल करना है, कैपिटल में बनना, जैसे कि श्याम था तो SHA SH by A और M, तो इस तरीके से आप भर देंगे। कोई सरनेम है कुमार वगैरह, तो थोड़ा सा उस तरीके दूरी बना के लिखेंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक सब समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर कि सेंटर कोड और परीक्षा का केंद्र का नाम कैपिटल लेटर में, तो इन दोनों को कहाँ से लिखेंगे, तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, एग्ज़ाम हॉल में जाके अपना एडमिट कार्ड आपके पास में है ही है, उस एडमिट कार्ड पर सब कुछ लिखा होता है, तो दिखाते हैं एडमिट कार्ड पर। जैसे ही आप अपना एडमिट कार्ड देखेंगे, तो इस राइट कोने पे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, एक तो सेंटर नंबर 119016 और विद्यालय का जो एग्जामिनेशन सेंटर कोड है ये है। ये दोनों चीज़ आपको ज्यों की त्यों फिल करनी है, आपको कोई कुछ नहीं संशोधन करना, आप सिंपली फिल कर दीजिए, किसी को पूछने की कोई ज़रूरत है नहीं। सो गाइज देख लिया आपने, अब इसमें जो भी आपका है 119012 जो भी एक सेंटर कोड हो गया, एग्ज़ाम जो भी है एग्ज़ाम कोड है, जो गेट गोल ऑनलाइन, तो इस तरीके से पूरा ज्यों का त्यों आपको भर देना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे, अब यहाँ जाएंगे तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ब्लैक पेन से भरना है आपका जो भी रोल नंबर होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 02140057, इस तरीके से बुकलेट नंबर भी होता है, तो अनुक्रमांक तो मैंने आपको दिखाई दिया रोल नंबर कहाँ पर होता है, तो इसका भरने का तरीका ये रहेगा, पूरा गोला फिल करना है, इन बॉक्सों में आपको अंक भरने होते हैं। अंक भरने का मतलब है कि सिंपल तरीका रहेगा कि अंक भर दीजिए, उसके बाद में एक बॉल पॉइंट से पॉइंट लगा लीजिए, उसके बाद में गोले को पूरे को फिल कर दीजिए, तब आपको आसानी से हो पाएगा, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। और उसके बाद में बुकलेट संख्या होती है, वो भी हम दिखा देंगे आपको। और यहाँ पर दूसरी भाषा है, लैंग्वेज फर्स्ट सेकेंड कोड, तो मोस्टली अगर हिंदी और इंग्लिश के विद्यार्थी हैं, तो हिंदी और इंग्लिश में बिल्कुल सेम रहती है, बुकलेट कोड वगैरह कोड भी आपका सेम रहेगा, और जो आपका बुकलेट सीरीज है वो भी सेम रहेगी, क्योंकि पहला जो पेपर मिलता है आपको उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर मिक्स होते हैं। लेकिन हाँ, संस्कृत अगर कोई व्यक्ति के पास में है, संस्कृत का एग्ज़ाम देता है, संस्कृत की बुकलेट आपको अलग से मिलेगी, उसका अलग से कोड होगा, तो वो कोड आपको भेजना पड़ेगा, और कोड भी उसका जो कोड होता है संस्कृत वाली बुकलेट का, तो वो कोड का भी आपको सेम कोड मिलेगा, जैसे जी सीरीज का है तो जी सीरीज ही मिलेगी। अगर अदरवाइज आपका एग्जामिनर आपको दूसरी कोई सीट दे देता है, जैसे आपके पास में जी सेट था और उन्होंने दे दिया एच सेट दे दिया, तो आपको उसको बताना है, जो भी पर्यवेक्षक है और उसको बता के अपनी सही करा लेनी है, क्योंकि अगर दूसरी कोड के भर देंगे तो कॉपी आपकी चेक नहीं होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद में लैंग्वेज आती हैं, तो लैंग्वेज में मैं दिखा दूँ, बहुत सारी लैंग्वेज हैं यहाँ पर, कई सारी लैंग्वेजों में सीटेट पेपर होता है,
उसके लिए क्या करना है कि लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड, जैसे मान लीजिए आपने लैंग्वेज वन में इंग्लिश भरी है, अब इंग्लिश भरी है तो इंग्लिश इसमें देखेंगे तो लैंग्वेज फर्स्ट वाले में जहाँ भी इंग्लिश होगी उसके आगे यहाँ पे हम मतलब फिलअप कर देंगे। उसके बाद में लैंग्वेज सेकंड में जो भी आपने लिया है, हिंदी लिया है या बंगाली लिया है या हिंदी लिया है जैसे कि, तो हिंदी लेंगे तो क्या करेंगे, हिंदी देखेंगे, हिंदी जे आई तो सेकेंड लैंग्वेज में जाके यहाँ पर ये गोला फिल कर देंगे। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। ये तो रही फर्स्ट वन की बात में, और मैंने जो बताया कि आपको अगर देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी इस बात को ध्यान रखें कि मुख्य पुस्तिका में छपा हुआ कोड और उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ टूप में छपा हुआ कोड समान हो, अगर ऐसा नहीं है तो तुरंत कक्ष निरीक्षक को सूचित करें और अपनी मुख्य प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पुस्तिका बदलवाएं। मतलब कि दोनों चीज़ बदल देंगी, वो बदल दी जाएंगी, आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये रहा तो पहला प्रश्न। अब जो आती है सेकंड साइड, सेकंड साइड जो होती है वो मेन होती है, बिल्कुल 100% मेन होगी, और इसी से आपकी जो कॉपी है वो चेक होगी, नंबर की मार्किंग यहीं से होती है। तो ये बात आप अच्छे समझ लीजिएगा। तो आप नंबर एक बात तो देखिएगा, दोनों पेपरों की बात करूँगा मैं, पेपर फर्स्ट और सेकंड की। तो पेपर फर्स्ट की जो OMR सीट है इसको भरने के लिए, उसके बाद में सेकंड की बात करेंगे। अब देखिएगा रोल नंबर आपका है, तो रोल नंबर में दिखा दूँ मैं आपको। अब रोल नंबर को भरने का सही तरीका क्या रहेगा वो भी हम बात कर लेते हैं कि आपका रोल नंबर है। अब देखिएगा यहाँ पर कि आपने जो बॉक्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से आप भर लेंगे, जो भी आपका जो रोल नंबर होगा 0 आप भर लिया। उसके बाद में क्या करना है आपको कि डायरेक्ट गोला फिल नहीं करने। नंबर एक बात तो मैं कहूँगा कि एक बॉक्स गोला को भरने के बाद में, बबल्स फिल करने के बाद में, दूसरा तुरंत ना करिए, थोड़ा सा इधर उधर देखिएगा, उसके बाद में फिर बुकलेट सीरीज भरिएगा, उसके बाद में फिर अपनी लैंग्वेज वगैरह भरिएगा। अगर कंटिन्यू आप इसको देखते हुए भरते रहेंगे तो आप ज़रूर गलत कर देंगे, जिससे कि थोड़ा सा क्या होता है, जो व्यक्ति प्रेशर में होते हैं या जिनको थोड़ा सा टेंशन होती है तो उनका 101% गलत होता है। बहुत सारे अभ्यर्थियों गलत हुआ है, मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आई थी, इसलिए मैं ये सब बातें बता रहा हूँ कि आगे से ये गलती ना हो। इस तरीके से भर लेंगे। भरने के बाद में क्या करना है, जो भी अंक है उसके नीचे बिंदी लगा देना है पेन से हल्के से, जैसे 2 है तो 2 लगा दिया, यहाँ पर 3 लगा दिया, इसके बाद 4 लगा दिया, 5 लगा दिया, इसके बाद में 6 लगा दिया, फिर उसके बाद में 7 लगा दिया, उसके बाद 0 है तो फिर यहाँ पर लास्ट में 0 होगा तो 0 लगा दिया। इस तरीके से लगा लेंगे, उसके बाद में एक बार देख लेंगे आसानी से, उसके बाद में जहाँ नेम रखा है वहाँ पर गोला इस तरीके से फिलअप कर देंगे आप, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से गोला फिलअप करेंगे तो आपको गलती होने के पूरे नामात्र के चांस हो जाएंगे। इस तरीके से गोला भर सकते हैं, ये बहुत ही आसान तरीका बता रहा है मैंने। अब देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट बात आती है, जो बुकलेट, बुकलेट सीरीज कहाँ से भरें और कोड कहाँ से भरें। तो इसको मैं अभी बुकलेट पर आपको दिखा देता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो ही भरना है आपको। एग्ज़ाम में जाके किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी आता है और अगर आपने टाइम वेस्ट किया तो आपका पेपर छूट जाएगा। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुकलेट सीरीज दिखा दूँ, देखो जो बुकलेट कोड जो होता है वो इस तरीके से होता है। यहाँ पर ये पेपर फर्स्ट है, आपको देख रहे होंगे मेन टेस्ट बुकलेट है, और यहाँ पर आप ये कोड संकेत है, वो कोड है, वो आर है आपका जो बुकलेट नंबर है या जो परीक्षा पुस्तिका जो बुकलेट सीरीज नंबर होता है वो ये होता है 1088-2119। तो ये वाला आपका बुकलेट सीरीज है, यहाँ पर देख लीजिएगा। अपने पेपर खोलना है बुकलेट सीरीज की, जहाँ भी बात आए तो अपना पेपर कुछ खोलना है पहले वाला, उसमें जो लिखा हुआ है उसको जो का तो लिख देना है, कोड आपका आर है और ये नंबर है इस तरीके से, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, अच्छे से हो जाए। सो गाइस यहाँ पर बुकलेट सीरीज कोड जो था वो आर था, तो यहाँ पर आपको आर भर देनी है। इसके बाद में बुकलेट सीरीज जो भी है 01-2011, तो इस तरीके से वही काम करना है आपको बुकलेट सीरीज भरने के लिए भी। 1 पर टिप करना है, 0 पर टिप करना है, 1 पर टिप, 2 पर टिप, इस तरीके से 1 पर टिप, जो भी अंक है उस पर एक बॉल मतलब पेन से अपने से एक बिंदी लगानी है, पॉइंट लगाना है, उसके बाद में जो क्लियर हो जाएगा हाँ मेरा सही है, लगातार ना भरिएगा, एक एक थोड़ा सा कुछ सेकंड का गैप कर दीजिएगा, उसके बाद में इन गोलों को सबको बबल्स को फिल कर दीजिएगा, क्योंकि बबल्स ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, अगर बाई चांस आपका गलत होता है तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी और आपका रिजल्ट रुक जाएगा। फिर
सीटेट किसी की सुनता भी नहीं है, तो फिर आप कुछ भी चेंज नहीं करा सकते हैं। और बात रही अगर सेकेंड लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज की, तो इसमें भी सेम कोड आर आएगा और इसमें भी सेम कोड आर आएगा। वो जो भी दे रखा होगा उसके बाद में आर भरना है, उसके बाद में तुमको जो भी है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि जो कोड आपका एक्स होता तो एक्स कोड हो गया तो एक्स वाला भरना है, बाई कोड होगा यहाँ पर तो बाई भरना है। यहाँ पर इस तरीके से आप आसानी से भर सकते हैं। और बुकलेट सीरीज लगभग सेम रहेगी आपकी, और हिंदी इंग्लिश वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी इंग्लिश में बिल्कुल सेम रहती है, संस्कृत में थोड़ा चेंज हो जाती है क्योंकि अदर से बुकलेट मिलती है, तो उसमें सीरीज नंबर वगैरह भी वो भी हम आपको बता देंगे, इतना काम हो जाएगा। उसके बाद में चलते हैं हम यहाँ पर, अब देखिएगा, अब ये जूनियर वाली है शायद, तो यहाँ से आप देखिएगा कि अगर आप साइंस वर्क के हैं तो मैथ एंड साइंस पर गोला करेंगे, अगर आप सोशल साइंस के हैं तो फिर आपको सोशल साइंस पर यहाँ पर गोला भर देना है, बस ए टू जेड कोई कॉलम छूटना नहीं चाहिए। अब जो लास्ट में जो ऑप्शन आता है वो यहाँ पर आपका आता है कि लैंग्वेज अटेम्प्ट, आप कौन सी लैंग्वेज कर रहे हैं, आपने जैसे इंग्लिश हिंदी किया तो इंग्लिश करना है, तो इंग्लिश का फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। अब फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज में आपको मैं बता दूं, उसके बाद में आप डिसाइड करना है। यहाँ से जब भी आप अपना एडमिट कार्ड खोलेंगे तो एडमिट कार्ड में स्पष्ट दिखाई देगा कि लैंग्वेज ऑफर्ड वन में हिंदी है और लैंग्वेज ऑफर्ड टू में इंग्लिश है। तो ये एक बात समझ लीजिएगा, यहाँ पर जो मीडियम है तो लैंग्वेज वन में हिंदी है और आपकी लैंग्वेज टू में इंग्लिश है। बात समझ में आ गई, लैंग्वेज वन में हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई। अब क्या करना है, वही सेम आपको यहाँ पर जाके भरना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लैंग्वेज अटेम्प्ट वाला है, लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू, लैंग्वेज वन ये है, लैंग्वेज टू ये है। अब हिंदी हमारी लैंग्वेज वन थी, तो हिंदी वाले ऑप्शन पर देखेंगे, लैंग्वेज वन में देखेंगे हिंदी वाला कोड कौन सा है, 02 है, तो इस वाले गोले को ब्लैक कर देंगे। उसके बाद में इंग्लिश टू हमारी टू लैंग्वेज है, तो सेकंड वाली लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज है, वन है, तो वन यहाँ पर हम फिल कर देंगे। इस तरीके से आपका हो जाएगा कि इंग्लिश में टू वन वाला फिल होगा, हिंदी में टू वाला फिल होगा, देख लीजिएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और उसके बाद में आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन मैं कहूँगा आपको यहाँ से कि आप मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में से कर लिया, 30 क्वेश्चन में से आपने 20 क्वेश्चन कर लीजिए, तो पहले 20 क्वेश्चनों को फिल कर दीजिए और उसके बाद में नेक्स्ट पोर्शन के जो 30 क्वेश्चन किए, 30 क्वेश्चन में से मान लीजिए 21 कर दीजिए, तो 21 को पहले फिल कर दीजिए उसकी, क्योंकि गलती हो जाती है लास्ट टाइम में जो भरते हैं ना, तो मान लीजिए कोई एक भी ऑप्शन खाली रह गया और एक भी ऑप्शन आपसे इधर उधर हो गया, ऊपर नीचे हो जाता है, तो पूरी की पूरी रो गलत हो जाती है, जिससे काफ़ी सारे स्टूडेंटों का लॉस हुआ है। और बहुत सारे स्टूडेंटों का मान लीजिए कि वो एक बिल्कुल फेल की कगार पर पहुंच चुके थे, तो ये चीज़ है कि मान लीजिए आपके नंबर आने थे 120, आपके नंबर रह जाते हैं, वो 90 ही नंबर रह जाते हैं, तो ये सीरीज के चेंज होने से बहुत दिक्कत होती है। तो 30-30 क्वेश्चन करके आप आसानी से भर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और कोई भी दिक्कत आई तो कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। ये सब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, नीचे जाएंगे जैसे भी आप, तो आप लोगों को यहाँ पर जो भी पर्यवेक्षक है, जो भी आप अपने साइन करते हैं, जो भी सिग्नेचर आपने एडमिट कार्ड पर किए हैं, तो वो एडमिट कार्ड पर यहाँ पर साइन कर देंगे। और यहाँ पर देखिएगा इन्विजिलेटर, जो भी पर्यवेक्षक होगा जो आपकी एग्जाम कॉपी बांटेगा, वो व्यक्ति पे यहाँ के साइन करा दीजिए, क्योंकि ये वेरीफाई बहुत ज़रूरी होता है, कॉपी पर अपने साइन और उनके साइन में। सो गाइस, वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे पूरी आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, हेल्पफुल है कि नहीं है, और सब व्यक्ति ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलते हैं अपने, ये इतना काम कर लेंगे। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट सेकंड पेपर की भी बात कर लें, तो सेकंड पेपर की भी ओएमआर बिल्कुल सेम रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी एकदम, लेकिन थोड़ा सा जो चेंज हो जाता है वो आपका सिर्फ चेंज होता है सब्जेक्ट वाइज, देखो बिल्कुल सेम आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन जो सेकेंड पेपर में इतना ही बढ़ जाता है कि ये वाला ऑप्शन सब्जेक्ट अटेम्प्ट वाला, साइंस वर्क के हो आपके, आर्ट्स वर्क के जो भी हैं वो फिल कर देना, और अन्यथा स्थिति में फर्स्ट पेपर और सेकंड फर्स्ट पेपर में ये होता नहीं है, दोनों पेपरों में सेम रहता है। ये चीज़ आप एक बार समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, यहाँ पर अपने साइन मार दीजिएगा और यहाँ पर पर्यवेक्षक साइन मार देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा बुकलेट सीरीज के बारे में बात करें तो इस तरीके का पेज होगा पूरा का पूरा, तो यहाँ पर देख रखा है सारा का सारा, पाँच सब्जेक्ट आएंगे, उसके बाद में यहाँ पर आपको होता है तो यहाँ पर भी सब आपको नाम भरने होते हैं, तो ये नाम भी कंपलसरी हो जाते हैं, तो इनको भी आप फिल कर लीजिएगा। बाई चांस आपने फिल नहीं किया तो कोई हो सकता है कि जो भी आपका एग्जाम दर पड़ेगा तो वो आपको
दिक्कत कर सकता है, तो दोबारा से भरवाएगा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, इसलिए पहले से भर लीजिएगा। यहाँ पे अपना कैपिटल में नाम भर लीजिएगा, इसके बाद में अनुक्रमांक भर लीजिएगा, फिर शब्दों में भर लीजिएगा, यहाँ पर परीक्षा केंद्र और अपने हस्ताक्षर कर लीजिएगा, परीक्षक भी हस्ताक्षर मार देगा, तो ये आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सबसे पहले ये काम कर लेना है। और लैंग्वेज वन इस तरीके से आएगी कि जो लैंग्वेज वन है, अगर लैंग्वेज वन हिंदी है तो लैंग्वेज वन हिंदी लिखा हुआ है, तो वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अब देखिएगा हिंदी टू भी है, अब देखो यहाँ पर हिंदी टू है, तो जिन्होंने हिंदी फर्स्ट भरी है तो वो इस वाले पोर्शन को नहीं करेंगे। सेम प्रोसेस इंग्लिश है, जैसे मान लीजिए किसी के पास में जो सेकंड लैंग्वेज है वो है इंग्लिश है, तो वो व्यक्ति ये वाला जो पोर्शन है इंग्लिश लैंग्वेज वन वाला, ये वाला पोर्शन नहीं करेगा। वो आगे पेजों को पलटना है, आगे पेज जैसे ही पलटेंगे तो उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वहाँ पर लिखा होगा लैंग्वेज सेकंड, तो लैंग्वेज सेकंड भरी है इंग्लिश में आपने, लैंग्वेज ऑफर्ड में जो सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश आपकी, तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं 19। ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये मैंने दिखाया इसलिए है कि आपको दिक्कत ना हो। ये दोनों पोर्शन आते हैं, हिंदी के दो पोर्शन होंगे, इंग्लिश के दो पोर्शन होंगे, जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट किया है उसी पोर्शन को आपको सॉल्व करना है। अब मैं बात करता हूँ संस्कृत वाले स्टूडेंटों को, उनके लिए नई पुस्तिका आएगी, तो उसके लिए पार्ट 5 में होगा, तो इस तरीके से रहेगा यहाँ पर, तो 8 दिसंबर को होने वाली है ये, तो आपको पता ही है, तो जिससे कि कोई डिसमैच ना हो, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मैच हो जाते डिसमैच हो जाते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो इस तरीके से आपके पास में रहेगा। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर स्पष्ट तौर से लिखा हुआ रहता है कि OMR शीट पर जो भरने होते हैं वो प्रश्न संख्या 121 से 150 तक, उत्तर मतलब जो सेकंड लैंग्वेज है। तो अब इसमें अभी संस्कृत में अभी क्या होगा, मैं संस्कृत में अभी बता देता हूँ आप लोगों को, संस्कृत में अभी दो लैंग्वेज आएंगी, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। जिन लोगों ने लैंग्वेज फर्स्ट में संस्कृत रखा है उनको तो 90 क्वेश्चन से और 120 तक करना पड़ेगा, और जिन्होंने लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज लिया, लैंग्वेज संस्कृत जो लिया है सेकेंड लैंग्वेज लिया है, तो उनको 21 से और 150 क्वेश्चन तक करना पड़ेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो मोस्टली लोग संस्कृत सेकंड लैंग्वेज में पढ़ते हैं, तो आपको 21 से 150 तक करना चाहिए। जल्दबाजी में खुश होकर ऐसा मत करना कि जो आप लैंग्वेज वन के क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट कर दें और सारे के सारे क्वेश्चन आपके गलत हो जाएँ और रिजल्ट भी आपका क्लियर नहीं आए। और कोई क्वारी अभी कोई बाकी है तो कमेंट बॉक्स में करके बताइए। जैसा कि हमने पूरी वीडियो में अपनी में एक हाउ टू फिल OMR सीट सीटेट एग्जाम पेपर के बारे में पूरी बात कर दी है और बता भी दिया, दिखा भी दिया आप लोगों को, और इसके बाद में कि जो भी क्वारी है आपकी तो कमेंट बॉक्स में करके बताना, और कोई भी एनी बड़ी डाउट है तो क्लियर कर लेना यहाँ पर, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आई होप कि मैंने जो भी बताया है वो एकदम सटीक बताया है और आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो एग्ज़ाम पेपर में मस्त रहिए, आराम से भरिए, टेंशन फ्री होके, क्योंकि बबल्स बनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वो दिक्कत ना हो। और वीडियो पसंद आई लाइक जरूर करके जाएं, शेयर करें, जिससे कि जितने भी अभ्यर्थी सीटेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सभी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सके और किसी का भी रिजल्ट रुके ना। बहुत सारे स्टूडेंटों के गोला फिलअप होने की वजह से, बबल्स गलत फिल होने की वजह से उनका रिजल्ट फेल कहा जाता है, तो वो चीज़ से बचिएगा जिससे कि आपको एक सकारात्मक रिजल्ट मिले। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक टाइम, गुड बाय।